नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ते हैं साझेदारी और कंपनी में अंतर। साझेदारी और कंपनी में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद है। इससे पहले वाले ऑनलाइन में हमने कंपनी दो प्रकार की होती है, निजी और सार्वजनिक कंपनी, उसमें हमने अंतर पढ़ा। अंतर का आधार साझेदारी और कंपनी। सबसे पहला अंतर आता है अधिनियम, कानून। सबसे पहला अंतर आता है अधिनियम से संबंधित, कानून से संबंधित। साझेदारी अधिनियम 1932 का कानून लागू होता है। साझेदारी अधिनियम 1932 कानून लागू होता है। इसमें कंपनी अधिनियम ২০১৩ लागू होता है। कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। इस 2013 के अधिनियम से पहले कंपनी अधिनियम 1956 था। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। साझेदारी में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। साझेदारी में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। सदस्य संख्या अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य है। सदस्य संख्या अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण का अर्थ समामेलन है।
पंजीकरण का मतलब है समामेलन करना। बच्चों हम पढ़ रहे हैं साझेदारी और कंपनी में अंतर। पहला, अधिनियम से संबंधित साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है और इसमें कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। पंजीकरण, साझेदारी में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, सदस्य संख्या अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य है या सदस्यों की इच्छा पर। यदि सदस्य ये चाहते हैं कि पंजीकरण हो जाए या पंजीकरण अच्छा रहेगा तो सदस्य पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन सदस्य संख्या अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है और इसमें पंजीकरण का मतलब है समामेलन। न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या, साझेदारी में न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होने अनिवार्य है। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होने अनिवार्य है। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होने अनिवार्य है। कंपनी में, कंपनी दो तरह की, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, तो दोनों के मैं बता देता हूं। निजी कंपनी में 2 सदस्य और सार्वजनिक कंपनी में 7 सदस्य कम से कम होने अनिवार्य है। यदि निजी कंपनी है तो कम से कम 2 सदस्य और सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 सदस्य होने अनिवार्य है। अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अधिकतम सदस्य संख्या, साझेदारी में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं, 50 साझेदार हो सकते हैं। साझेदारी में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति से, केंद्र सरकार की अनुमति से सदस्य संख्या 100 हो सकती है। केंद्र सरकार की अनुमति से अधिकतम 100 सदस्य हो सकते हैं। केंद्र सरकार की अनुमति से अधिकतम 100 सदस्य हो सकते हैं। हमने पंजीकरण में पढ़ा है साझेदारी में पंजीकरण अनिवार्य है, सदस्य संख्या अधिक होने पर। केंद्र सरकार की अनुमति से सदस्य संख्या 100 हो सकती है और यदि सदस्य संख्या अधिक होने पर पंजीकरण फिर अनिवार्य हो जाता है। यह अधिकतम 100 सदस्य है, केंद्र सरकार भारत सरकार की अनुमति से 100 सदस्य हो सकते हैं, तब पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा, पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या
200 हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो सकती है। यदि निजी कंपनी है तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो सकती है। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या, सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम सदस्य संख्या कितने भी हो सकते हैं, वो अंशों की संख्या के आधार पर होती है। तो सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं होती। अंतर के आधार का पांचवा बिंदु आता है दायित्व। दायित्व दो प्रकार के होते हैं, मैं यहां बता देता हूं। ए सीमित दायित्व और दूसरा आता है सीमित दायित्व। थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। असीमित दायित्व, यदि कोई साझेदार पर साझेदारी में यदि कोई ऋण भार ज्यादा है और ऋण भार का भुगतान करने के लिए व्यापार में संपत्तियां कम पड़ रही है, तो साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बेचकर वो ऋण का भुगतान करेगा, उसको असीमित दायित्व कहते हैं। असीमित दायित्व यानी व्यापार में उधारी चुकाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का भी प्रयोग हो सकता है। और सीमित दायित्व का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जितनी पूंजी लगाता है उस पूंजी तक ही उसका दायित्व होता है। यानी इसमें सीमित दायित्व में व्यक्तिगत संपत्ति को बेचकर ऋण का भुगतान नहीं कर सकते। दायित्व साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यानी साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति को बेचकर व्यापार में जो दायित्व है, ऋण है, उसका भुगतान कर सकते हैं। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व है, का दायित्व सीमित होता है। सीमित होता है कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। अंश पूंजी तक या गारंटी की राशि तक, अंश पूंजी या गारंटी की राशि तक, गारंटी की राशि तक दायित्व होता है। दायित्व होता है अंश पूंजी या गारंटी की राशि तक दायित्व होता है। बिंदु नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं साझेदारी और कंपनी में अंतर। अब पढ़ते हैं अस्तित्व का आधार और संचालन। अस्तित्व और संचालन, अस्तित्व और संचालन। साझेदारी एक समझौता है, पार्टनरशिप एक समझौता है
सजदरी एक समझौता है, सजदरी एक समझौता है। और ये समझौता सजदरों के बीच में होता है, इसके अभाव में, इसके अभाव में यदि समझौता नहीं है तो, अभाव का मतलब इसके अभाव में, किसके अभाव में, समझौते के अभाव में, इसके अभाव में सजदारी अधिनियम, सजदारी अधिनियम की व्यवस्था, की व्यवस्था लागू होती है, लागू होती है। सजदारी एक समझौता है, समझौते के अभाव में सजदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्था लागू होती है। कंपनी, कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है, कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम की व्यवस्था लागू होती है, की व्यवस्था लागू होती है। पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम की व्यवस्था लागू होती है, और ये दोनों कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनते हैं। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम दोनों कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 की व्यवस्था लागू होती है। बिंदु नंबर 7, प्रबंध संचालक, प्रबंध संचालक। प्रबंध संचालक यानी संचालन कौन करेगा, साझेदारी में संचालन कौन करेगा, कंपनी में संचालन कौन करेगा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो साझेदारी में सभी साझेदार द्वारा, सभी साझेदार द्वारा या सभी साझेदार प्रबंध संचालन में भाग ले सकते हैं, या सहमति से, सहमति से कुछ साझेदार द्वारा, कुछ साझेदार द्वारा, सहमति अन्य साझेदारों की सहमति से कुछ साझेदार के द्वारा प्रबंध संचालन कर सकते हैं, प्रबंध संचालन कर सकते हैं। साझेदारों में सभी साझेदार प्रबंध संचालन कर सकते हैं, या दूसरे साझेदारों की सहमति से कुछ साझेदार द्वारा प्रबंध संचालन कर सकते हैं। कंपनी में क्या होता है, देखें, कंपनी में अंशधारियों द्वारा नियुक्त, अंशधारियों द्वारा, अंशधारियों द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल, निदेशक मंडल और
संचालक मंडल मंडल द्वारा प्रबंध संचालन कर सकते हैं, प्रबंध संचालन करते हैं। प्रबंध संचालन करते हैं अंशधारियों के द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल या संचालक मंडल के द्वारा प्रबंध संचालन करते हैं। बिंदु नंबर 8, हित हस्तांतरण। हित या अंश हस्तांतरण, साझेदारी में साझेदार अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकते, साझेदारी में साझेदार अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकते, यानी साझेदार अपने पुत्र को हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता, नया साझेदार आता है उसको भी हित हस्तांतरण नहीं कर सकता। यदि साझेदार हटता है तो अपना हित लेकर हटता है, दूसरों को अपना हित या अपनी पूंजी सौंप कर नहीं जा सकता। जबकि कंपनी में अंशधारी अपने हित और अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण कर सकते हैं, अंशधारी अपने हित और अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। अपने अंशों को बेच सकते हैं, बेचकर अपने अंशों की जितनी पूंजी है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु, दिवाला, पागलपन, मृत्यु, दिवाला और पागलपन का प्रभाव साझेदार के दिवाला पागलपन और मृत्यु पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। समाप्त का मतलब विघटन, समाप्त हो जाती है। यदि साझेदार का दिवाला निकल गया, उसके पास भुगतान करने के लिए नहीं है, पागलपन है या मृत्यु है, तो साझेदारी समाप्त हो जाती है, साझेदारी का विघटन हो जाता है। अंशधारी की मृत्यु पागलपन पर कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, कंपनी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिंदु नंबर 10,
पृथक अस्तित्व है, पृथक अस्तित्व है। पृथक अस्तित्व है, अलग से अस्तित्व है। साझेदारी का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता। साझेदारी में साझेदारों का अलग से अस्तित्व नहीं होता। साझेदारों की मृत्यु से साझेदारी समाप्त हो जाएगी, अलग से अस्तित्व नहीं होता। कंपनी में कंपनी का अलग अस्तित्व होता है, कंपनी का अलग अस्तित्व होता है, अलग अस्तित्व होता है। कंपनी का अलग अस्तित्व होता है, अंशधारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा हुआ। कंपनी एक कर्तव्य व्यक्ति है, पहले मैंने बताई थी कंपनी की विशेषताओं में, कंपनी एक कर्तव्य व्यक्ति है। यहाँ पर अंशधारियों के आने से, अंशधारियों के जाने से कंपनी समाप्त नहीं होती, कंपनी का अलग अस्तित्व बना रहता है। तो बच्चों आज हमने साझेदारी और कंपनी में अंतर पढ़े, इनको बार बार दोहरान करना, नोटबुक में लिखना। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।